हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इवा पीआर डायरेक्टर को बताती है, मुझे लगता है मेरा मैनेजर तुम्हें चीट कर रहा है। उसे कोई मैसेज भेज रहा था जिन्हें पढ़कर वो हंस रहा था। मैंने दिखाने को कहा तो दिखाया भी नहीं, और ऊपर से झूठ कहा कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जा रहा है, पर तुम तो मेरे साथ हो। पीआर डायरेक्टर बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात देखती है, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीआर डायरेक्टर बोलती है, मुझे इमरजेंसी है, जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। इवा सोचती है जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। इवा पीआर डायरेक्टर को फॉलो करती है। पीआर डायरेक्टर उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ रुआन इवा को प्रपोज करने वाला होता है। मैनेजर रुआन को पांडा का आउटफिट देता है। इवा को बहुत पसंद है, तुम ये पहन कर आओ। रुआन पांडा का आउटफिट पहन कर आता है, तभी इवा भी वहाँ जाती है। मैनेजर रुआन का फेस कवर कर देता है। इवा को वो सारी तैयारी देख कर लगता है कि मैनेजर पीआर डायरेक्टर को प्रपोज करने वाला है। रुआन मैनेजर को किक मारकर नीचे बिठा देता है। मैनेजर को जबरदस्ती पीआर डायरेक्टर को प्रपोज करना पड़ता है। पीआर डायरेक्टर को भी जबरदस्ती रिंग पहननी पड़ती है। इवा खुश हो रही होती है। रुआन अपना फेस उसे दिखाता है और बोलता है, मैनेजर ने मुझे भी इन सब में शामिल किया था। इवा रुआन को इग्नोर करती है। चारों बैठे होते हैं। रुआन इवा को बोलता है, अब हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि कुछ टाइम स्पेंड कर सके, और इवा को वहाँ से ले जाता है। पीआर डायरेक्टर रिंग निकालने लगती है। मैनेजर बोलता है, पहने रखो। पीआर डायरेक्टर बोलती है, ये रिंग रुआन ने इवा के लिए खरीदी है। मैनेजर बोलता है, वो तो रिच है, दूसरी खरीद लेगा। पीआर डायरेक्टर बोलती है, ये मत सोचना कि मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, ये सिर्फ एक एक्टिंग है। मैनेजर बोलता है, मैं जानता हूँ। पीआर डायरेक्टर गुस्सा होकर चली जाती है। मैनेजर सोचता है, ये लड़कियाँ बड़ी अजीब होती है, कोई बात नहीं होती तब भी गुस्सा हो जाती है। रुआन अपने असिस्टेंट से मिलने आता है और उसकी तारीफ करता है रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए। असिस्टेंट पूछता है, मैंने सुना है आप इवा को प्रपोज करने वाले हो। रुआन बोलता है, मैंने कोशिश की पर मेरा प्लान चौपट हो गया, दोबारा समझ नहीं आ रहा कौन सी लोकेशन चूज करूं। असिस्टेंट बोलता है, आप इसी रेस्टोरेंट में इवा को प्रपोज करो। रुआन को ये आइडिया अच्छा लगता है। रुआन की मदर इवा को सॉरी बोलती है 10 साल पहले उसके साथ वो सब करने के लिए। इवा बोलती है, आप सॉरी ना बोलें, अगर आपने वो सब नहीं किया होता तो मैं आज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। इवा मदर को माफ कर देती है। मदर उसे अपने घर लाती है और रुआन का रूम दिखाती है। मदर इवा को उसके स्कूल टाइम की फोटोज दिखाती है। रुआन ने ये संभाल कर रखी है, तुम्हें तब से पसंद करता है। इवा बोलती है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, इवन मैं तो उसके फादर के रेस्टोरेंट में खाने भी आती थी, और जिस दिन वहाँ आग लगी थी उस दिन हम दोनों वहीं थे। मदर ये सुनकर घबरा जाती है और इवा को तुरंत वहाँ से जाने को कहती है। इवा को समझ नहीं आता अचानक से इसकी मदर इतना रूड कैसे हो गई। इवा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इवा रुआन के अंकल के पास आती है और उनसे रेस्टोरेंट की आग वाले इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पूछती है। अंकल बताते हैं, वो आग तुम्हारी वजह से लगी थी, उस दिन तुम रेस्टोरेंट में आई थी और तुमने गैस खुली छोड़ दी थी। इवा ये सुनकर शोक हो जाती है, उसकी वजह से रुआन के फादर मरे हैं। इवा रोते हुए घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे रुआन का कॉल आता है। तूसी और रुआन इवा को प्रपोज करने की तैयारी कर चुका होता है। मैनेजर रुआन को तैयार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद इवा भी वहाँ आ जाती है। इवा को प्रपोज करता है, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। इवा सॉरी बोलकर रोते हुए चली जाती है। सभी शॉक हो जाते हैं। रुआन उसके पीछे आता है। इवा टैक्सी लेकर जा रही होती है। रुआन उसे रुकने को कहता है पर इवा इग्नोर कर चली जाती है। इसके बाद सभी इवा को ढूंढते हुए घर आते हैं, लेकिन इवा वहाँ भी नहीं होती। मैनेजर बार बार इवा को कॉल करता है पर वो पिक भी नहीं करती। तभी रुआन को उसके अंकल का कॉल आता है और उसे सब बता देते हैं। इवा बीच के पास खड़ी होकर खुद को दोष दे रही होती है। तभी रुआन उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। इवा पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा। रुआन बोलता है, घर चलो फिर सब कुछ बताऊंगा। रुआन इवा को अपनी मदर के घर लेकर आता है और मदर को बोलता है, मेरे फादर इवा की वजह से नहीं मरे थे। हाँ, यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन इवा खाने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी। रुआन के अंकल उसे बताते हैं, अभी शेफ यहाँ नहीं है, यानी रुआन के फादर, तुम यहाँ वेट करो और किचन में मत जाना।
ईवा वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रुआनीवा आ जाता है। रुआनीवा को बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। दोनों किचन में जाते हैं। ईवा गैस ऑन कर देती है लेकिन रुआन तुरंत ही बंद कर देता है, यानी ईवा ने गैस खुली नहीं छोड़ी होती है। दोनों बाद में वहीं सो जाते हैं। शाम को उसके फादर वहाँ आते हैं, बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्ज होता है जो वो चुका नहीं पा रहे होते। फादर सुसाइड के लिए गैस ऑन कर देते हैं और जिसके बाद असिस्टेंट के फादर वहाँ चोरी करने आते हैं। रुआन के फादर उन्हें देख लेते हैं, वो उन्हें हिट कर देता है और जिसके बाद सिगरेट की वजह से आग लग जाती है। फ्लैशबैक से बाहर मदर शॉक हो जाती है, तुम्हारे फादर कभी सुसाइड नहीं कर सकते। रुआन बोलता आपकी वजह से ये सब हुआ है, आप करियर और पैसे कमाने में इतना बिजी हो गई कभी अपनी फैमिली और बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। मदर को यकीन ही नहीं होता उनकी वजह से उनके हस्बैंड मर गए। रुआन उन्हें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ईवा भी उसके पीछे आती है और उसे शांत कराती है। रुआन बोलता है अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो दोगी? ईवा बोलती है जो भी तुम कहोगे वो मैं करूंगी। रुआन रिक्वेस्ट करता है प्लीज सारी जिंदगी मेरे साथ रहो। ईवा बोलती है अब से सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, यकीन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा सकते हो। दोनों मैरिज रजिस्टर करवाने चले जाते हैं और रजिस्टर करा कर बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ईवा के स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी होती है। ईवा सभी को बताती है रुआन के बिना मैं अपना ये ड्रीम कभी अचीव नहीं कर पाती और हम दोनों ने 2 दिन पहले ही अपनी मैरिज रजिस्टर करवा दी है। कुछ दिनों बाद वेडिंग सेरेमनी होगी, आप सभी को आना है। मैनेजर पीआर डायरेक्टर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, ये कब हुआ? दोनों रुआन और ईवा की क्लास लगाते हैं, हमसे बिना पूछे तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली? लेकिन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। मैनेजर बोलता है मेरे सामने बैठकर तुम दोनों आंखें लड़ा रहे हो और ऊपर से हाथ भी पकड़ा है, शर्म नहीं आती? पीआर डायरेक्टर बोलते हैं इस बार आप दोनों ने हमारा दिल दुखा दिया है। ईवा बोलती है सॉरी सिस्टर इन लॉ। पीआर डायरेक्टर बोलती है सिस्टर इन लॉ कौन है? मैनेजर बोलता है ये सही तो बोल रही है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। पीआर डायरेक्टर बोलती है मैं कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। मैनेजर भी उसे मनाने उसके पीछे जाता है। पान की मदर से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि उसकी हस्बैंड उनकी वजह से मर गए, इसलिए अपसेट माइंड से कार चला रही होती है। तभी एक कार उनके सामने आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। रुआन और ईवा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर रुआन को उसकी मदर का लॉकेट देते हैं और बताते सर्जरी करनी पड़ेगी। रुआन देखता है ये वही लॉकेट है जिसके फादर ने उसकी मदर को गिफ्ट किया था, यानी उसकी मदर हमेशा से उसके फादर को प्यार करती थी। मैनेजर और पीआर डायरेक्टर भी वहां जाते हैं। डॉक्टर बताता है हमें ए ब्लड ग्रुप चाहिए। रुआन बोलता है मेरा तो नहीं है। ईवा बताती है मैं दे देती हूँ। नर्स बोलती है 50 kg से कम वेट वाले इंसान का खून हम नहीं ले सकते। ईवा वहाँ से जाने लगती है। रुआन उसे रोक कर बोलता है मुझे पता है तुम क्या करने जा रही हो पर मत करो। ईवा बोलती है मैं तुम्हारी मदर को मरने नहीं दूंगी, अभी तुम्हें उनसे बात कर अपनी सारी गलतफहमियों को दूर भी करना है। ईवा फिर से मोटी हो जाती है और ब्लड देती है। सर्जरी की थोड़ी देर बाद मदर होश में आती है। मदर रुआन को सॉरी बोलती है। रुआन बोलता है मैं समझ गया हूँ आप फादर से प्यार करती थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रुआन के फादर अपनी मदर से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने आए थे पर नहीं की क्योंकि उन्हें लगा उनकी वाइफ का करियर डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट सीन में ईवा और पीआर डायरेक्टर स्पा ले रहे होते हैं। ईवा गलती से जूस को पानी समझकर पी लेती है और फिर देखती है जूस पी लिया है। पीआर डायरेक्टर जल्दी से सभी को वहाँ से भगाती है। ईवा देखती है पर वो तो मोटी नहीं हुई। पीआर डायरेक्टर टेस्ट करने के लिए उसे और जूस पिलाती है। ईवा वो भी पी लेती है पर फिर भी मोटी नहीं होती। पीआर डायरेक्टर बोलती है इसका मतलब तुम ठीक हो गई हो। ईवा खुश हो जाती है। इसके बाद ईवा पीआर डायरेक्टर के साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाती है। रुआन ईवा को आकर बोलता है मुझे पता चला तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है। ईवा बोलती है हाँ पर तुम्हें तो दुख हो रहा होगा, अब तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना नहीं पड़ेगा। रुआन बोलता है हाँ पर किस्त होगी तो ठीक हो जाएगा। ईवा बोलती है अब मैं तुमसे शादी के बाद मिलूंगी और डोर बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में आज दोनों की शादी होती है। ईवा की ड्रेस उसे फिट नहीं आती क्योंकि उसने खुशी में ज्यादा ही खाना खा लिया होता है। पीआर डायरेक्टर ऐसे तैसे कर ड्रेस की जिप बंद करती है। इसके बाद ईवा अपने फादर के साथ वेडिंग हॉल में आती है। यहीं पर हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।